अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहानराज किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ चिकन दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं और मैं यहां पर छोटे चावल से ही इसे बनाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार का चिकन दम बिरयानी बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए जल्दी से 2 किलो चिकन दम बिरयानी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टोव के हाई फ्लेम पर एक कढ़ाई रख ली है और इस कढ़ाई पर 2.5 किलो के करीब चिकन अच्छी तरह से कोरमा बन पाएगा, तो उसी हिसाब से आपको बर्तन लेना है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, हाई फ्लेम पर हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 1/2 kg के करीब रिफाइंड ऑयल डाल लेती हूँ। जब तेल हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा, मैं यहाँ पर 250 ग्राम प्याज, जिसे मैंने पतला काट लिया है, इसे मैं तेल पर डाल लूँगी और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। स्टोव का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर हम प्याज को अच्छी तरह से लाल कर लेंगे। तो प्याज लाल होने में आपको 5 से 10 मिनट के करीब टाइम लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं प्याज का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल लेती हूँ और इसी कढ़ाई पर अब मैं यहाँ पर कोरमा बनाऊँगी 2.5 किलो चिकन का। मैं यहाँ पर 2 किलो चिकन बिरयानी बना रही हूँ 2 किलो चावल से, तो मैंने यहाँ पर 2.5 किलो चिकन लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 3 किलो चिकन भी ऐड कर सकते हैं 2 किलो चावल पर। तो चलिए, अब हमारा तेल जो है कढ़ाई पर है गर्म। अब मैं यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डालूँगी। खड़े मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच शाहजीरा, 3 से 4 तेज़पत्ते, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 10 से 12 छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 6 से 7 लौंग और इसी के साथ हमें चाहिए एक छोटा सा जैत्री। तो चलिए, अब मैं इसे यहाँ पर डाल लेती हूँ। इसके डालते ही 6 से 7 सेकंड के बाद मैं यहाँ पर 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज को बड़े टुकड़ों में कट कर ली हूँ, उसे यहाँ पर डाल लूँगी। अब हमें क्या करना है, प्याज और खड़े मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए तेल में हम सौटे करेंगे, यानी भुनेंगे इसे, ताकि सारे खड़े मसालों का तेल में अच्छी तरह से एरोमा आ जाए, खुशबू आ जाए। तो जब हमारा प्याज थोड़ा सा नरम हो जाएगा 3 से 4 मिनट के बाद, आप यहाँ पर 4 से 5 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालते वक्त मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 से 5 बड़ी चम्मच आपको अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, भर के आपको चम्मच लेना है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि इसका कच्चा टेस्ट निकल जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को 3 से 4 मिनट के लिए खड़े मसालों के साथ मैंने पका लिया है, भून लिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डाल लूँगी। पाउडर मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 से 5 चम्मच जीरा पाउडर, 4 से 5 चम्मच धनिया पाउडर और इसी के साथ मैं यहाँ पर 2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब नमक भी डाल देती हूँ। नमक मैं यहाँ पर 2.5 किलो चिकन के हिसाब से डाल रही हूँ और बिरयानी का कोरमा हम जब भी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक हम तेज़ रखते हैं, ताकि हमारा चावल में वो अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सारे मसालों को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर चिकन ऐड करने वाली हूँ। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर चिकन ऐड कर लेती हूँ। मैंने चिकन को अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2.5 किलो के करीब चिकन लिया हुआ है, तो चलिए मैं इसे यहाँ पर डाल लेती हूँ और मसाले के साथ हम चिकन को अच्छी तरह से पकाएंगे बिना पानी डाले। तो स्टोव का फ्लेम अब मैं यहाँ पर हाई कर लूँगी और मैं इसे अच्छी तरह से मसाले में मिला लेती हूँ। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, कढ़ाई को लिड से कवर कर लेते हैं। 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। चिकन को पकते हुए 15 मिनट के करीब टाइम हो चुका है। चिकन हमारा 60% तक कुक हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फ्रेश पुदीना डाल लेती हूँ। मैं अपने हाथ का 1 मुट्ठी फ्रेश पुदीना यहाँ पर डाल लेती हूँ। फ्रेश पुदीना ही लें, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसी के साथ मैं यहाँ पर 1 कप फ्रेश दही भी डाल लेती हूँ। इसे हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिला लेंगे और फिर से हम कढ़ाई को लिड से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, टोटल 30 मिनट्स हो चुका है और हमारा चिकन कोरमा बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और आप देख सकते हैं गोश्त भी हड्डी को छोड़ने लगा है। लेग पीसेस से आप देख सकते हैं गोश्त बिल्कुल छोड़ने लगा है और हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। हमें चिकन को और ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हम चिकन को फिर से दम करेंगे चावल के साथ 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर अब स्टोव को ऑफ़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कोरमे के ऊपर जितना तेल आपको दिख रहा है, मैं अब यहाँ पर क्या करूँगी, सारे तेल को निकाल लूँगी इस तरह से। किसी कंटेनर में आप चम्मच से इस तरह से तेल ऊपर से निकाल लें।
तेल को हमें बाद में यूज़ करना है चावल के साथ, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले तेल को निकाल लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, इस कोरमे के ऊपर हमने जो प्याज को लाल करके रखा हुआ था, अब मैं यहाँ पर एक मुट्ठी के करीब यहाँ पर डाल लेती हूँ चारों तरफ फैला कर। अब हमारा चिकन कोरमा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं कढ़ाई को लीड से कवर कर लेती हूँ और मैं इसे साइड पर रख लेती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, चावल के तरफ। मैंने एक बड़े से भगोने में 6 से 7 लीटर पानी डालकर स्टोव के हाई फ्लेम पर रखा हुआ है ताकि हमारा पानी अच्छी तरह से उबलने लगे। तो उससे पहले आप यहाँ पर देखें, एक कटोरी में मैंने 1 छोटी चम्मच केसर डाला है। इसी के साथ मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब केवड़ा वाटर डाल लेती हूँ और साथ में मैं यहाँ पर 1/2 कप के करीब पानी भी ऐड कर लेती हूँ। तो हमारा यहाँ पर केसर वाला जो पानी होता है वो बिल्कुल तैयार है। साथ ही मैं यहाँ पर 1 चुटकी के करीब कलर भी डाल लेती हूँ, केसर वाला रंग जो होता है ना कलर, उसे मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। आप चाहें तो डालें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि केसर से भी कलर आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा केसर वाला कलर डाल लेती हूँ। तो देखिए ये हमारा तैयार है केसर वाला पानी जो, अब मैं इसे साइड पर रख लेती हूँ। और हमने जो प्याज को लाल करके रखा हुआ था ना, अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब गुलकंद डाल लेती हूँ। गुलकंद जो होता है गुलाब के पत्ते से बनता है और वो हल्का सा मीठा रहता है, लेकिन बिरयानी में अगर हम इसे डालते हैं तो बिरयानी में इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आती है और ये इसका मीठापन बिल्कुल भी नहीं रहता है बिरयानी में, लेकिन इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप गुलकंद नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के करीब गुलाब जल भी डाल सकते हैं, जिस पर हमने डाला है ना केसर वाला पानी, तो उस पर आप डाल सकते हैं 2 से 3 चम्मच के करीब गुलाब पानी, लेकिन मैं यहाँ पर गुलकंद का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालकर इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो है बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें गुलकंद और गर्म मसाला पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो इसे भी हम साइड पर रख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर छोटे दाने वाले चावल लिए हैं 2 किलो के करीब। आप चाहें तो यहाँ पर लंबे दाने वाले चावल भी होते हैं बासमती, आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर साबुत छोटे दाने वाले चावल लिए हैं। आपके मार्केट में इस तरह से छोटे दाने वाले चावल मिलते हैं तो आप इस तरह से एक बार बिरयानी ज़रूर बना कर देखिए। तो इसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ करके 1 घंटे पहले से मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ है। तो चलिए अब हमारा पानी भी अच्छी तरह से उबलने लगा है, तो मैं यहाँ पर 2 मुट्ठी अपने हाथ का 2 मुट्ठी नमक डाल लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर चावल भी ऐड कर लूँगी। चावल पानी में डालने के बाद हमें 2 से 3 बार अच्छी तरह से चम्मच इस तरह से चला लेना है। स्टोव का फ्लेम हम यहाँ पर हाई पर ही रखेंगे, इसलिए हम चम्मच चलाते हैं जब हम चावल डालते हैं वो नीचे जाकर पतीले में या फिर जो है वो जमने लगता है, बैठ जाता है, तो अगर हम चम्मच चला लेंगे तो अच्छी तरह से वो खिलने लगेगा। अब हमें क्या करना है, इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक हमारा चावल 60-70% तक कुक ना हो जाए, उसके बाद हम इसे छानेंगे पानी से। तो आप देख सकते हैं चावल हमारा 70% तक कुक हो चुका है। अब मैं इसे पानी से छानकर निकाल लेती हूँ। 2 किलो बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 किलो वाला तसला यानी भगोना लिया हुआ है और इसे मैंने स्टोव के मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर हमने जो तेल निकाला हुआ था कोरमे से, मैं यहाँ पर उसे डाल लेती हूँ। थोड़ा सा तेल मैं बचाऊँगी बाद में डालने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इस तेल पर सबसे पहले हम यहाँ पर 1/2 क्वांटिटी का चावल हम यहाँ पर डाल लेते हैं हमने जो बॉईल करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चावल, बिल्कुल 50% चावल जो है हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर कोरमा डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर चावल डालने के बाद सारा कोरमा जो है उसके ऊपर हमें डाल लेना है इस तरह से। कोरमे के ऊपर हम यहाँ पर थोड़ा सा तला हुआ प्याज डालेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, हमने जो बचा कर रखा हुआ था चावल उसके ऊपर कोरमे के ऊपर हमें इस तरह से डाल लेना है। अब हमें क्या करना है, चावल के ऊपर बाकी का बचा हुआ तेल भी हम फैला कर डाल लेते हैं और साथ ही और बाकी का बचा हुआ तला हुआ प्याज भी हम डाल देंगे और साथ ही केसर वाला पानी हमने जो बना कर रखा हुआ था उसे भी हम डाल लेते हैं। उसी के साथ उसी कटोरी में मैं थोड़ा सा पानी 1/2 कप के करीब पानी डालकर भी उसे डाल लेती हूँ। अब हमें यहाँ पर 1 नींबू का रस डाल लेना है और सबसे आखिर में फ्रेश पुदीना और फ्रेश हरी धनिया हमें यहाँ पर बारीक काट कर डाल लेना है। अब हम इस तसले को यानी भगोने को अच्छी तरह से कवर करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आटा गूंद कर भी चारों तरफ लगाकर तसले के उसका लीड जो होता है उससे भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कढ़ाई का लीड था, बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो पा रहा था इस भगोने को, तो मैं इसे अच्छी तरह से कवर कर लेती हूँ और इसके ऊपर जो छोटा सा होल रहता है उस पर मैं गूंदा सा आटा लगा लेती हूँ गूंद कर।
तो इससे भी हमारा चावल अच्छी तरह से दम हो जाएगा। स्टोव के मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। तो चलिए मैं इसे दम पर रख लेती हूँ। 15 मिनट होने के बाद मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया था और हमारा बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं इसे 20 से 25 मिनट के बाद अब इसका लीड हटाकर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इससे क्या है ना, अगर हम जिस वक्त भी ऑफ़ करते हैं बिरयानी दम होने के बाद, उस वक्त उसका टेस्ट सही तरीके से नहीं आया होता है। अगर हम उसे आधे घंटे के लिए उसे उसी तरह से छोड़ देंगे तो अच्छी तरह से बिरयानी जो है वो अच्छी तरह से खुशबू चावल जो है अच्छी तरह से कोरमे को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेता है, यानी उसकी खुशबू का अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर लेता है। तो बिरयानी आधे घंटे के बाद खाने में ज़्यादा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन दम बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। इस बिरयानी को आप दही वाले कचंबर के साथ ज़रूर सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार की बिरयानी बनती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। 2 किलो बिरयानी बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाकर बताया है। आप इसे अगर फर्स्ट टाइम भी बनाएंगी आपका बिरयानी बहुत ही लाजवाब डिलीशियस बनने वाला है। चिकन दम बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।